हेलो फ्रेंड, नीलम फूड ब्लॉग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। चलिए फ्रेंड, ये आप देख रहे हैं, ये खील हैं, वही खील हैं जो हम दीपावली पर पूजा करते हैं और बच जाती हैं, जिसे कोई खाना पसंद नहीं करता क्योंकि ये फीकी फीकी लगती हैं, खाने में कोई टेस्ट नहीं होता इनमें। चलिए हम एक मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करते हैं इससे, जिसे सभी खाना पसंद करते हैं। यह है हमारी भेल, जिसके लिए मैंने कुछ सामान लिया है। ये जो घर में ही मिल जाता है अधिकतर सामान, ये देखिए, ये है हमारी 5 कप हमने खील ले ली है ये, और ये तीखी चटनी है हरे धनिया की, और ये इमली की चटनी है खट्टी मीठी, और ये सॉल्टी चिप्स हैं जो बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं लेस, और ये खट्टी मीठी नमकीन, और ये एक टमाटर है मीडियम आकार का, ये 2 छोटी छोटी प्याज, और एक अनार है और आधा नींबू है, और ये जीरा पाउडर है भुना हुआ, और ये काली मिर्च कुटी हुई, और ये नमक, काला नमक, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर। अब फ्रेंड, हम एक गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे, उसमें हमने डाल दिया है रिफाइंड ऑयल, ये 1 बड़ी चम्मच डाला है हमने, देख रहे हैं आप। इसे हल्का सा हम गर्म होने देंगे और खील हम साफ कर लेते हैं अपनी। इसमें जो धान का जो तिनका होता है वो अगर मुंह में आ जाता है खाते टाइम तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने पहले साफ़ कर लिए हैं ये, और इसे हम डाल देंगे कढ़ाई में क्योंकि तेल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, और इसे हम चलाएंगे अच्छे से और गैस कर देंगे मीडियम, क्योंकि हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, हाई पर ये जल जाएंगी क्योंकि हल्की होती हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए इस तरीके से, ये जब थोड़ा तेल ये सोख लेंगी तब इसमें हम नमक मिलाएंगे। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे क्योंकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये थोड़ा, और इसे हम भूनेंगे जब तक ये करारी नहीं होती। फ्रेंड, जब तक भूनना है हमें इसी तरीके से, आप देखेंगे कि ये बेस्वाद खील भी कितनी स्वादिष्ट लगेंगी जब ये भेल बनकर तैयार होगी। और हमने क्रैक करके देखा है फ्रेंड कि खील को ये भुन चुकी हैं, अब इसे हम रख देंगे थोड़ा साइड में क्योंकि ये भुन चुकी है, गैस कर दी हमने। और अब हम काटेंगे अपनी प्याज, ये देखिए इस तरीके से हमें बारीक बारीक प्याज काटनी है, आप चाहे चॉपर में करें चाहे किसी चीज़ में करें, हमें बारीक चाहिए इसीलिए हम थोड़ी बारीक बारीक प्याज काट लेंगे। अगर फ्रेंड आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। ये देखिए इस तरीके से हम दोनों प्याजों को बारीक कट कर लिए हमने, ये इसी तरीके से हम टमाटर को भी कट कर लेंगे। ये एक देसी टमाटर लिया है फ्रेंड जो थोड़ा खट्टा होता है खाने में, ये देखिए इस तरीके से हम कट कर लेंगे इसे भी, ये बारीकी ही करना है। ये कट हो चुका है हमारा लगभग, ये दोनों चीज़ कट हो चुकी हैं, प्याज भी टमाटर भी। अब हम अपना अनार छील लेंगे, देखिए ये एकदम लाल लाल अनार है फ्रेंड, और ये जब हम भेल में डालते हैं तो बड़ा मज़ा आता है इसका टेस्ट जो आता है भेल में खाते टाइम। और इसके हम दाने निकाल लेंगे सारे क्योंकि हमें इसके दाने चाहिए, इसलिए हमें निकालने तो पड़ेंगे ही फ्रेंड, क्योंकि ये अनार छीलना बहुत कम पसंद होता है लोगों को, छीलना तो पड़ेगा ही क्योंकि हमें भील बनानी है। और जो थोड़ा सा 1-2 दाने ख़राब हैं वो हमने निकाल कर फेंक दिए हैं, और हमने ले लिया एक बड़ा बर्तन और जिसमें हमने अपनी खील डाल दी है क्योंकि हमें सारी चीज़ मिक्स करनी है, थोड़ा बड़ा बर्तन ही चाहिए हमें। अब इसमें जो हमने टमाटर प्याज काटे थे वो इसमें डालेंगे, देखिए हमने टमाटर डाल दिए हैं, और प्याज फ्रेंड अपने अनुसार डालें, जो अगर आपको कम खानी है तो कम डालिए, अगर ज़्यादा खानी है तो सारी डाल लें, मैंने थोड़ी सी बचा दी है क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रही थी। और ये अनार के डाले दाने भी इसमें डाल देंगे, और ये खट्टी मीठी नमकीन
इसमें फ्रेंड मूंगफलियाँ काफ़ी हैं तो इसमें अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी नमकीन में कम हो मूंगफली तो ऊपर से भी डाल सकते हैं, इसमें मूंगफली अच्छी लगती हैं। और ये सॉल्टी चिप्स, इसे हम क्रैक करके डालेंगे। खील में इसका क्रंचीपन बहुत अच्छा लगता है, जब हम खाते हैं बाइट इसका तो क्रंची क्रंची आता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले कुछ, ये काली मिर्च, ये आधी चम्मच, छोटी आधी चम्मच डालें, और ये आधी ही चम्मच हमने जीरा पाउडर डाला है भुना हुआ, और ये आधी चम्मच हमने काला नमक डाल दिया, और आधी चम्मच छोटी वाली हमने लाल मिर्च पाउडर डाली है, और ये चाट मसाला आधी चम्मच, और ये तीखी वाली चटनी है फ्रेंड हरी धनिया की, तो ये हमने डेढ़ चम्मच डाली है। आपको ज़्यादा तीखी चाहिए तो ज़्यादा डाल लें, और कम चाहिए तो कम डालें। और ये चार चम्मच हम डालेंगे इमली की चटनी। अगर फ्रेंड आपके पास इमली की चटनी नहीं है तो केचप भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, चाहे आप इमली की चटनी डालें चाहे केचप डालें। और इसे हम करेंगे मिक्स। देखिए, आपको पता भी नहीं लगेगा फ्रेंड ये खील की भेल है या मुरमुरों की, आपको बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा, एक बार आप बनाएं ज़रूर। और ये हमने नींबू निचोड़ लिया है इसमें आधा नींबू, और इसे भी मिक्स करेंगे। और ये इतनी जल्दी तैयार होकर रेडी होती है, इतनी जल्दी कि आप थोड़ी देर में ही, अगर भूख लग रही है तो ये फटाफट तैयार होने वाली रेसिपी है, और मज़ा भी आता है इसे खाने में। और इसमें हमने कर लिया है धनिया कट, और इसे कर देंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद हम कर देंगे प्लेटिंग, और बनाइए फ्रेंड इसे, खिलाइए अपने घर में, और फिर मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी खील की भेल, जो फटाफट रेडी होती है। फिर मिलती हूँ फ्रेंड अगली रेसिपी में।